अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेता हैं। 1990 के दौरान उन्हें बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई और तब से लेकर अभी तक भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रमुख व्यक्तित्व बने हुए हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। इनके नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड का रिकॉर्ड भी शामिल है। अभिनय के अलावा अमिताभ बच्चन ने गायकी, फिल्म निर्माता और टीवी प्रस्तोता और भारतीय सांसद के रूप में कार्य किया है। इन्होंने प्रसिद्ध टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति को भी होस्ट किया था, जो कि बहुत चर्चित और सफल शो बना था। बच्चन का विवाह अभिनेत्री जया भादुड़ से हुई है। यदि बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन की, तो अमिताभ बच्चन का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है। इनके पिता का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है, जो कि प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, जबकि इनकी माता का नाम तेजी बच्चन है, जो कि कराची संबंध रखती थी। आरंभ में अमिताभ बच्चन का नाम इनकलाब रखा गया था, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रयोग में किए गए प्रेरित वाक्यांश इनकलाब जिंदाबाद से लिया गया था। लेकिन बाद में इनका फिर नाम अमिताभ रख दिया गया, जिसका अर्थ होता है ऐसा प्रकाश जो कभी नहीं बुझेगा, और इनका अंतिम नाम श्रीवास्तव था, लेकिन बाद में इसे बदलकर बच्चन रख दिया गया और अब यह उनके परिवार का समस्त सदस्यों का उपनाम बन गया है। अब बात करते हैं इनके करियर के बारे में, तो शुरुआत में अमिताभ बच्चन के लिए चीजें आसान नहीं थी, क्योंकि इन्हें फिल्मों की दुनिया में आने के लिए किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था, क्योंकि इसका वजह था इनकी दोस्ती राजीव गांधी से थी। इसी वजह से इंदिरा गांधी के हाथ का लिखा सिफारिश खत की वजह से इन्हें फिल्म 7 हिंदुस्तानी में काम करने का मौका मिला। हालांकि अमिताभ बच्चन ने फिल्मों की दुनिया में आने से पहले शिपिंग कंपनी में नौकरी की थी। बाद में अपनी मां के उत्साहित करने पर यह नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए और यहां पर इन्होंने काम करना शुरू किया। उस समय इनकी तनख्वाह 1 महीने की ₹800 थी। इनके जिंदगी में स्टार बनने के लिए महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1973 में आई प्रकाश मेहरा की एक फिल्म में इन्हें इंस्पेक्टर बनने का रोल मिला, और जिसमें इंस्पेक्टर का किरदार था इंस्पेक्टर खन्ना। इसके बाद अमिताभ बच्चन जी ने अभिमान, कभी कभी, अग्निपथ, शराबी, नमक हलाल जैसी सुपरहिट फिल्में देते चले गए। इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में गाने भी गाए हैं। और अमिताभ बच्चन जी का विवाह 3 जून 1973 को अभिनेत्री जया भादुड़ी से हुआ, और अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी जी के 2 बच्चे हुए, एक लड़की हुई जिसका नाम श्वेता बच्चन था, एक लड़का हुआ जिसका नाम अभिषेक बच्चन था। साल 1984 में अमिताभ बच्चन जी ने इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और HN बहुगुणा को भारी मतों से पराजित कर वहां के सांसद बने। और साल 2005 में अमिताभ बच्चन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण तथा 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और इनकी जो सर्वश्रेष्ठ फिल्में हैं वो है आनंद, जंजीर, अभिमान, दीवार, शोले, त्रिशूल, मकद्दर का सिकंदर, कूली, सिलसिला, अमर अकबर एंथनी, काला पत्थर, अग्निपथ, बागबान, ब्लैक और पा आदि है। तो दोस्तों ये रही जानकारी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की बायोग्राफी प्राप्त करने के लिए।